एक करोड़ रुपए वाला बैल भी कभी देखा आप लोगों ने? देख लेते हैं, वो तो मजाक हो रहा है यार, देख लेते हैं कभी कभी। हाँ देखा है, खरीदने वाले हैं मंडी में? नहीं, वो तो ऐसा जाना खड़ा हुआ है। जो एक करोड़ बोल रहे हैं ना, वो मुझे 90 लाख दे, मैं लाके देता हूँ। 48,000 रुपए मन गोश्त है, ठीक है ठीक है, नॉर्मल कट्टू जानवर। चलो मैं ये नहीं कहता, मैं इनकी फेवर करूंगा, कुर्बानी वाला जानवर इस कैटेगरी में नहीं आता। मैं तो 70,000 रुपए मन डाल रहा हूँ, ठीक है, 70,000 रुपए से भी डाल लो, 65,000 से भी डाल लो, तो इसका वजन निकाल लो, इसकी कीमत आ गई। और इसका जब हम काट के बेचेंगे 800 रुपए किलो गोश्त भी नहीं बेचते। काम करो मेरे साथ मलीर मंडी चलो, अगर ये बच्चा हो सकता है 10-20 आगे पीछे करके ऐसा बच्चा वहाँ से ना मिले तो फिर मंडी किसने खराब की है? आपस में खराब किए, मतलब ये कि वो जो V8 में डालो में आते हैं उसे घूम फिर के रेट बढ़ाकर चले जाते हैं, ये उन्होंने लोगों ने खराब किया, सही है, असल हकीकत बात है, वो तो अमीर लोग हैं, शायद वो पहले ही माल पलवा रहे हैं, नॉर्मल तबका 50% है और उससे गरीब तबका 90% है, ऐसा ही है। वो 10% आगे जो है ना, करोड़ों रुपए के बोल के दाम लगा के, लाखों के लगा के इन लोगों के भी सर ऊपर कर दिए और कुर्बानी भी मुश्किल कर दी। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टेटमेट। हमारे पास दो बड़े प्यारे बच्चे खड़े हैं, मुझे नहीं पता 2 दांत है 4 दांत है, लेकिन बायर भी मौजूद है, बेचने वाले भी मौजूद है। आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? कहाँ से आए? पंजाब से। आप कहाँ से? मलीर सौदावास। मलीर, आप मतलब सारे कराची, आप लोग बायर हैं सारे? मुझे पता है इस बच्चे का आप क्या मांग रहे थे? 9.5 लाख इसके, और उसके 5.5 लाख। पहली बात तो रेट आपने बताने के, उन्होंने डिमांड ठीक की है कि नहीं? ठीक है, मुझे तो डिमांड समझ नहीं आती फिलहाल। आपने इसकी क्या ऑफर की थी? 4.5 और इसकी? इसकी नहीं की है, इसकी नहीं की। मुझे बताए आपके उसे फाइनल कितने का हो जाएगा ये? मैंने वैसे सुन लिया तो ऑफ कैमरा, आप क्या कह रहे हैं? 8 का होगा फाइनल। 8 तक का फाइनल होगा। अच्छा मुझे बताए आप लोगों की रेंज ये 2.5-4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख की है? मैक्सिमम जो पैसे तो हमने लगा दिए बस 4.5 आपने इसकी ऑफर लगाई, मैंने सुना। जी। तो 4.5 लाख में जानवर इतने में समझ आते हैं। ब्राह्मण नस्ल का बच्चा है, 4 दांत है, 2 दांत है, दोंदा बच्चा है, लवा बच्चा है बिल्कुल, और ब्राह्मण नस्ल है। वेट भी इसका अच्छा, वेट कितना करेंगे आपके हिसाब से? कितना वजन होगा? नहीं पता, लेकिन नहीं 10 मन तो नहीं है खैर, लेकिन अच्छा अच्छे वेट में 8 मन गरीब इंशाल्लाह होगा, लेकिन खूबसूरती के पैसे। मुझे बताए गुजरते हुए 1 करोड़ रुपए वाला बैल भी कभी देखा आप लोगों ने? देख लेते हैं, देख कर आ रहे हैं, वो तो मजाक हो रहा है यार, देख लेते हैं कभी कभी। हाँ देखा है। खरीदने वाले हैं मंडी में? नहीं, वो तो ऐसा अनजाना खड़ा हुआ है। जो 1 करोड़ बोल रहा है ना, वो मुझे 90 लाख दे, मैं लाके देता हूँ उसे, ठीक है। मेरे को इस्लामाबाद से हम लोग देखते हैं मंडियों में नादर बाईपास में हो रहा है। मैं एक बात बता, 70,000 रुपए मन डालू ना इस पे जी, खूबसूरती के वैसे 48,000 रुपए मन गोश्त है, ठीक है नॉर्मल कट्टू जानवर। चलो मैं ये नहीं कहता, मैं इनकी फेवर करूंगा, कुर्बानी वाला जानवर इस कैटेगरी में नहीं आता। मैं तो 70,000 रुपए मन डाल रहा हूं, ठीक है, 70,000 रुपए से भी डाल लो, 65,000 से भी डाल लो, तो इसका वजन निकाल लो, इसकी कीमत आ गई, ठीक है। अब अगर ये 1 लाख रुपए मन सोच के बैठे हुए तो वो इनकी सोच है, ठीक है, हमारी थोड़ी है भाई। वजन 48,000 रुपए मन रोज जानवर कट रहा है, ठीक है, वो हम खाते हैं, और इसका जब हम काट के बेचेंगे 800 रुपए किलो गोश्त भी नहीं बेचता। बोलेंगे अच्छा, मैं ऐसे में जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मंडी के अंदर वो बायर इससे मौजूद नहीं है जो 40-45 लाख का बच्चा खरीदता है। नाम आ रहा है यार, वो जो लैंड क्रूजरों में आ रहे हैं, V8 के अंदर आ रहे हैं, सोसाइटी से लेते हैं, फार्म हाउस से लेते हैं, वो तो यहाँ के बस तफरी करते हैं, फैमिली लाते हैं चले जाते हैं वो लोग। मंडी किसने खराब की है? देखो यूट्यूबर ने भी खराब, मतलब मैंने खराब की है। फिर आप दिखा रहे हैं दुनिया में ये करोड़ों का बिक गया, वो बिका नहीं बिका वल्ला आलम, अल्लाह को पता है। मेरी चीज हम दोस्त हैं यार, तुम बोल कर 1 करोड़ रुपए के खावा भी लीगे ऐसी मार्केट में आए बनाने के लिए, और क्या, इसी वजह से मंडी ऊपर आई है, ठीक है, जो खराब हुए। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि बाकी में 1 करोड़ का बच्चा बिका भी है। एक काम करो, मेरे साथ मलीर मंडी चलो, अगर ये बच्चा हो सकता है 10-20 आगे पीछे करके ऐसा बच्चा वहाँ से ना मिले तो बोल, इतने में 4.5 के आसपास मिल जाएगा, और मिलना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं, इससे ज्यादा का है भी नहीं यार ये मंडी का, बिल्कुल 8,000 रुपए मन से भी लगा लो, 8 सिंह 48,000 4 लाख। कहने का मतलब ये कि वो जो V8 में डालो में आते हैं उसे घूम फिर के रेट बढ़ाकर चले जाते हैं, यहाँ थोड़ी मट्टी में घूमेंगे। लोगों का दिमाग ही उन्होंने लोगों ने खराब किया, सही है, असल हकीकत बात है। जो बहुत अमीर लोग हैं शायद वो पहले ही माल पलवा रहे हैं, पलवा रहे पहले पिछले साल। देखो भाई, क्लियर बात ये है कि पैसे वाले लोग 10% हैं,
नॉर्मल तबका 50% है और उससे गरीब तबका 90% है। ऐसा ही है, वो 10% आगे जो है ना करोड़ों रुपए के बोल के दाम लगा के लाखों के लगा के इन लोगों के भी सर ऊपर कर दिए और कुर्बानी भी मुश्किल कर दी। बिल्कुल ऐसा बात ही है, अल्लाह ताला सबकी आसानी करे। ठीक है, बस मैंने आपसे यही, क्योंकि मैं ओरिजिनल जेन्युइन रिव्यू देना चाह रहा था कि लोग क्या सोचते हैं मंडी में आके। ऐसे नहीं है, राह गुजरते बंदा देख लेते अच्छे जानवर, उनकी मेहनत है, मेहनत उन्होंने भी की है, वर्थ होती है, लेकिन वो जो करोड़ 80 लाख फला लाख लोग बताते हैं मांगे जरूर मांगे, उनकी चीज है एक अरब मांगे। जो एक करोड़ बोल रहे हैं ना, मुझे 90 लाख दे, मैं लाके देता हूँ, अगर उससे बड़ा ना लाके दू तो फिर बोल रहा जुर्माना है जी। इन लोगों ने अबे यार मुंह की फायरिंग है, टाइम लगे, मशीन होनी चाहिए। कराची में प्लाट नहीं ले लूं जो साला 2 साल के बाद 2.5 करोड़ का हो जाएगा। ऐसा ही है, इन्होंने बहुत चढ़ा दिया इनको। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर को बुलाते हैं, भाई आप लगा हमारी वाहवा करें, आप यूट्यूबर वाहवा वाला काम करते रहते हैं और वाहवा करते रहते हैं लोग। ऐसे ही बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ, हम लोग ने भी वीडियोस की है, लेकिन पंजाब में और ट्रेंड है, यहाँ पर और ट्रेंड है। आप लोगों ने काम करो, इन लोगों को ये जहन बनाओ के रोजी कमाने आए हो ना। नहीं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि सौदा हो जाए, डील हो जाए, मेरी पूरी कोशिश होती है, मैंने अभी भी कोशिश करता है ना आप लोगों के लिए, मैं डील बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये बच्चा 15 दिन और खड़ा रहा, 1000 रुपए रोज से 15-20 हजार तो इसके यही खा जाएगा, अगर ये बेच दे, अगर इसका जहन है बेच के फारिग हो जाए। ऐसा ही है, रखिएगा तो खर्चा ही पड़ेगा ना। चलेंगे, अल्लाह खैर करे, मैं लोगों से मजीद भी बात करूँ, मैं कोशिश करूंगा वो डाले वाले और वो V8 वाले लोग भी मुझे मिले जो ऐसी बाइंग कर सकते हैं। इन लोगों का दिमाग असल लोग। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।